हरियाणा के करनाल विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1.27 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। करनाल के निर्वाचन अधिकारी के सामने 65 साल के खट्टर द्वारा नामांकन पत्रों के साथ दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार उन्होंने अपने पास 94 लाख रुपए की चल संपत्ति और 33 लाख रुपए की अचल संपत्ति होने की घोषणा की है। हलफनामे के मुताबिक उनकी चल संपत्ति 2014 के मुताबिक 8,29,952 रुपए से बढ़कर इस साल 94,985 रुपए हो गई है और उसमें उनकी बैंक जमा और नकदी भी शामिल है। अचल संपत्ति में खट्टर के पास रोहतक जिले में पृथक गांव बिनयानी में पुश्तैनी कृषि जमीन है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास कोई और गैर कृषि जमीन या कमर्शियल संपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक है। उनके पास 15,000 रुपए नकद है और उन पर कोई कर्ज या बकाया नहीं है। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में उन्हें दिए गए आवास के लिए उन पर किराए, बिजली, पानी और टेलीफोन बिल का कोई भी बकाया नहीं है। खट्टर ने अपनी तनख्वाह को अपनी आय का सोर्स बताया है और उन्होंने 2018 से लेकर 2019 के लिए 28.95 लाख रुपए, 2017 से 2018 के लिए 31.39 लाख रुपए, 2016 से 2017 के लिए 34.86 लाख रुपए, 2015 से 2016 के लिए 6.21 लाख रुपए का आयकर रिटर्न फाइल किया था। न्यूज़ डेस्क।